बेकसूर लोगों की जानें ली जा रही हैं। ये पौने पांच साल ठीक था और यकायक जब एक दो महीने रह जाते हैं, ये अखंड भारत है, ये अखंड पंजाब है। तोड़ने की राजनीति कभी भी लोगों के मन में घर नहीं कर पाएगी। कोई भी बंदा इस गल नू समझदा है, जड़ा ये समझदा है कि बंगाल की होया सी, उन्होंने ये समझ आती है भी ये लास्ट डेढ़ महीने क्यों होंगे, ये अखीर दे विच आके क्यों होंगे। जिन्हों असी फुल चढ़ाने अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उप गया, कौन भले को मंदे, एकस पिता एकस के हम बारक। मुझे बहुत दुख है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लोगों में डर फैलाया जा रहा है। ये नकारात्मक राजनीति की प्रकाष्ठा है कि बेकसूर लोगों की जानें ली जा रही है वोट्स की पोलराइजेशन के लिए। मेरा सवाल यह है कि पौने पांच साल सब कुछ ठीक था और ये सेम प्रक्रिया बंगाल में भी हुई। ये पौने पांच साल ठीक था और यकायक जब एक दो महीने रह जाते हैं तो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, बेअदबी फिर बेअदबी, लोग पहरेदार बने और अब ये जघन्य अपराध। ये कौन सी लड़ाई है भाई, ये किससे लड़ाई है जिसमें बेकसूर लोगों की जान ली जाती है, जिस लड़ाई में राजा की जान को खतरा ना हो। वो लड़ाई नहीं है, वो राजनीति, और वो राजनीति भी नकारात्मकता की परिकाष्ठा। मैं घोर निंदा करता हूं और ये कहता हूं कि हम पंजाब के लोग गुरुओं के विरसे को अपना मानते हैं, वही हमारा लाइट हाउस है, वही साडा चानण मनारा है और उस विचारधारा नाल जुड़ के कोई वंडिया नहीं जा सकता, कोई बांटा नहीं जा सकता। ये अखंड भारत है, ये अखंड पंजाब है, इसमें जात पात के नाम पे तुम बांट नहीं सकते। वोट की राजनीति के लिए तुम किसी कम्युनिटी को, लोकतंत्र को डर तंत्र, भय तंत्र बना के अपनी नकारात्मक सौड़ी सोच से प्रभावित नहीं कर पाओगे। ये पहले भी हुआ है और गुरुओं की विचारधारा ने लोगों के मनों में अलख जगाई है, मनों में वो लड़ाई लड़ी गई है और पंजाब ने हर ऐसी ओछी हरकत पे विजय पाई और वो विजय एकता में है। पंजाब के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कमजोर बेकसूर लोगों के साथ गंदी राजनीति हो रही है, जिस राजनीति में मानवीय जीवन का मोल ना हो, मानवीय जीवन का सम्मान ना हो, वो राजनीति नहीं दरिंदगी है। इसलिए मुझे बहुत दुख है और मैं इस असह और अकह लॉस पे जो भी बयान कर रहा हूं वो अपनी आत्मा से
बयान कर रहा हूँ। ये हमारी जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड आपसी भाईचारे की आत्मिक सांझ है, ये उस पे आधार है। और मैं सारे पंजाब को कहता हूँ कि पहले भी पंजाब समझता था, आज भी पंजाब समझता है। एंड वी विल गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू ऑल दोज हु वांट टू डिवाइड अस। ये डिविसिव राजनीति जो है, ये तोड़ने की राजनीति कभी भी लोगों के मन में घर नहीं कर पाएगी। जोड़ने वाले को मान और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। इसलिए मैं इन सब बेकसूर लोगों के साथ एक आत्मिक सांझ, आई हैव अपोलोजाइज टू देम, उनका कोई कसूर नहीं है। और वैसे भी जो बेकसूर होते हैं वही इस किस्म की राजनीति में सजा पाते हैं। सिद्धू साहब की लगते हैं दरिंदगी ये राजनीति के पीछे कौन अकीदी साजिश है? कोई भी बंदा इस गल नू समझदा है, जड़ा ये समझदा है कि बंगाल की होया सी उथे भी लोग लड़े, जड़ा ये समझदा है कि इत्थे की हो रहा है, मतलब लोग इन्ने क सियाने ने उन्हां नू ये समझ आउंदी है भी ये लास्ट डेढ़ महीने च क्यों हुंदा है, ये अखीर दे विच ही आके क्यों हुंदा है, ये जदों इलेक्शन नेड़े आउंदे है ये तदों ही क्यों हुंदा है। ये सब नू समझ है भाई, ये सब नू समझ है। पंजाब वंडिया नहीं जाएगा, पंजाब डिवाइड नहीं होएगा। पंजाब दे विच गुरुआं दी इक्को सोच है, जिन्हों असी फुल चढ़ाने हाँ, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, एकस पिता एकस के हम बारक। ए ए ए जड़ी सोच है ना, ये सदियां तो साडा सुरक्षा कवच है, ये सदियां तो साडी ढाल है, और इस ढाल दे उत्ते किन्ने ही वार हो जान पंजाब महफूज रहे। देश विदेश की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वीकेंड रिपोर्ट और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।